पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय घर से सुचरिता जा रही है। क्या मैं लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने का काम कर सकती हूँ? अच्छी परिवार की लड़कियाँ स्कूल में नहीं पढ़ाती। अबे पानू बाबू क्यों नहीं आ सकेंगे यहाँ? तो फिर बिनोद बाबू क्यों नहीं आ सकेंगे? जब अंदर न्याय ना हो तो बाहर से शांति बनाए रखना बहुत ही अशुभ है। माँ, बिनोद तो देखता हूँ काफी राजी हो चला है, अब जल्दी से काम निपटा देना ही अच्छा होगा। कौन जाने फिर कब राय बदल जाए। ये क्या कह रहे हो बेटा? बिनोय कब राजी हुआ? उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। माँ वो आज ही आया, उसके साथ मेरी बात हो गई है। उसने कहा कि गोरा के आते ही दिन ठीक किया जाएगा। मुहिम तुमने गलत समझा। मेरी अक्ल चाहे कितनी भी मोटी हो लेकिन सीधी सीधी बात समझने लायक उम्र मेरी हो गई है। मैं जानती हूँ तुम मुझ पर नाराज होगी लेकिन मैं देख रही हूँ मुश्किल खड़ी होगी। माँ, मुश्किल खड़ी करने से ही मुश्किल खड़ी होती है। देखो तुम लोग जो कहोगे मैं सह लूंगी लेकिन जिस बात से अशांति फैले मैं उसमें सहयोग नहीं दूंगी, और ये तुम लोगों के भले के लिए ही है। हमारे भले की चिंता हम पर छोड़ दो तो बेहतर होगा। तो तुम्हें भी कुछ सुनना नहीं पड़ेगा और शायद हमारा भी भला ही हो। माँ, पहले शोशी का ब्याह हो जाने दीजिए फिर हमारे भले की चिंता करना। माननीय, तुम लोगों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर मन बहुत खराब हो रहा था। बहुत दिनों से सोच रही थी कि चिट्ठी लिखकर हालचाल जानूं, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था। परसों एक आदमी से जिनका नाम नहीं बताऊंगी, जो समाचार मिले उससे तो मानो सिर पर बिजली गिरी। ऐसा संभव हो सकता है? ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन जिन्होंने लिखा है उस पर विश्वास ना करना भी मुश्किल है। सुनती हूँ कि तुम्हारा किसी हिंदी युवक के साथ विवाह होने जा रहा है। ये बात अगर सच है तो বসে না বাইরে আসি তাই দয়াল খোলা মাঠে বাউল সুরে দোতারা বাজায় দয়াল দোতারা বাজায়।
जेनो पशु पाखी कादे बाउल सुरे आमरा बाउल कादी गो दयाल एक तारार तारे दयाल एक तारार तारे ओई चातक कादे नील आकाशे चातक कादे नील आकाशे एक फोटा जल चाय भोला माटी बाउल सुरे दोतरा बाजाय ओ दयाल घरे आमार मन बसे ना बाहरे आशिताय दयाल बाहरे आशिता क्या हुआ रानी बेटा तुम दो दिन से स्कूल नहीं आई माँ मुझे जाने नहीं देती सुचरिता दीदी आजकल हिंदू हो गई है उसके घर ठाकुर पूजा होती है वो जात पात मारने लगी है ऐ चुप अगर इस बात पर एतराज है तो स्कूल हमारे घर लग सकता है अगर ये सुविधाजनक नहीं है तो इसकी चिंता क्यों दीदी वो देखिए सुधीर दादा क्या हुआ सच सच बताइए पानु बाबू तुम्हारे स्कूल का विरोध करने पे तुले हुए हैं क्यों क्योंकि दीदी के घर मूर्ति पूजा होती है इसलिए केवल इसलिए नहीं तो और क्या बात है कह ही दो बहुत सारी बातें हैं क्या मेरा भी कोई कसूर है ये मेरे उस स्टीमर पर सफर करने की सजा है ना गलत काम करने पर अच्छा काम करके दोष मुक्त होने का रास्ता क्या बिल्कुल ही बंद हो गया हमारे समाज में कि मेरे लिए इस समाज में हर शुभ काम के लिए मनाही है अब मुझे और ब्राह्मो समाज को पवित्र बनाए रखने का अच्छा रास्ता निकाला आप लोगों ने ठीक इसलिए नहीं उन्हें यह भी डर है कि आगे चलकर कहीं बिनोय बाबू वगैरह भी स्कूल के साथ ना जुड़ जाएं डर ये डर की बात नहीं होगी ये तो भाग्य की बात होगी योग्यता में बिनोय बाबू की बराबरी कर पाने वाले हैं ही कितने उनमें ये बात तो है लेकिन बिनोय बाबू तो ब्राह्मो समाज के नहीं यही ना तो क्या इस बात की सजा देगा ब्राह्मो समाज उन्हें ऐसे समाज पर तो गर्व मैं नहीं कर सकती बेटा अब ललिता के बारे में सोचने का समय आ गया है जानती हूँ बाबा मैं समाज की निंदा की चिंता नहीं कर रहा हूं मैं सोच रहा था कि बाबा ललिता मुझे हमेशा अपने मन की बात बताती हुई आई है पर जैसे पिछले कुछ दिनों से वो मुझसे उस तरह से नहीं खुल रही बाबा मुझे लगता है कि बेटा ललिता के मन में एक अजीब सी उथल पुथल चल रही है जिसे वो खुद भी स्वीकार करना नहीं चाहती और मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्या करूं जो उसके लिए हितकारी हो बेटा एक बात बताओ जी बाबा तुम्हें क्या लगता है बिनोय के हमारे परिवार में आने जाने से ललिता का कुछ अनिष्ट हुआ है नहीं बाबा तुम तो जानते हो कि बिनोय बाबू में कोई दोष नहीं है कितना निर्मल स्वभाव है उनका और बाबा मुझे तो लगता है कि बिनोय बाबू जैसा भद्र पुरुष इस समाज में मिलना बहुत ही मुश्किल है बिनोय अच्छा आदमी है या नहीं बस यही देखने की बात है अंतर्यामी ईश्वर भी इतना ही देखते हैं बिनोय को पहचानने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई इसके लिए मैं उस अंतर्यामी को पार पार प्रणाम करता हूं बेटा जी आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है
ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? धर्म संप्रदाय, ये लोगों को भुला देते हैं कि इंसान इंसान है, चाहे वो ब्राह्मण हो या हिंदू। ये तो समाज का प्रपंच है ना बेटा। इस छोटी सी चीज को अंतर्यामी के सामने इतना बड़ा बनाकर इन्होंने झमेला खड़ा कर दिया है। बेटा मैं भी इतने दिनों तक इसी झूठी भंवर में फंसा था। अच्छा हाँ, वो ललिता कन्या विद्यालय खोलने की बात कह रही थी। इस विषय में वो बिनोय की मदद लेना चाहती है, मुझसे मेरी राय पूछी है। बोलो क्या करें? बाबा मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन इस बात को रहने देना चाहिए। लेकिन क्यों रहने देना चाहिए? माँ को बुरा लगेगा बाबा। मैं शुरू से ही आप लोगों को सावधान करता रहा और इसके लिए आप लोगों की नाराजगी भी झेली थी मैंने। अब ये चिट्ठी देखकर आप समझ पाएंगी कि भीतर ही भीतर मामला कहां तक पहुंच गया है। खबर सच है या नहीं ये जानने के लिए तुमने मुझसे सवाल पूछा है। मुझे तो इसी पर आश्चर्य हो रहा है कि ब्राह्मो समाज के आदमी ने तुम्हें जो खबर दी है उसकी सच्चाई की पड़ताल करनी होगी। इतना अविश्वास? फिर किसी हिंदू युवक से मेरे विवाह की संभावना हो रही है, इस खबर से तुम्हारे सिर पर बिजली गिरी है। लेकिन मैं तुम्हें निश्चय पूर्वक कह सकती हूँ कि ब्राह्मो समाज में भी ऐसे ऐसे सुविख्यात साधु युवक हैं जिनसे विवाह की आशंका वज्र गिरने के बराबर भयानक है। मैं ऐसे दो एक हिंदू युवकों को जानती हूँ जिसके साथ विवाह किसी ब्राह्मो कुमारी के लिए गौरव की बात हो सकती है। इससे अधिक तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। अब इसके लिए मुझे दोष मत दीजिएगा। आप लोगों ने तारीफ कर करके सुचरिता का सिर फिरा दिया है। अब संभालिए अपनी इस आदर्श ब्राह्मो कुमारी के लक्षण। अरे विनय और गोरा को तो वही सबसे पहले इस घर में लेके आई थी ना। विनय को तो फिर भी मैं हमारे रास्ते खींच लाई, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से वो मौसी जी आ गई। वो तो इस घर में मूर्ति पूजा, छुआछूत, जात पात सब शुरू कर दी थी। विनय को उन्होंने इस कदर बिगाड़ा कि वो तो मुझे देखते ही भाग खड़ा होता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? इन सबकी जड़ में तो सुचरिता ही थी। मैं तो शुरू से ही जानती थी वो लड़की कैसी है, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं। अब ये चिट्ठी दिखा के मुझे फायदा क्या है? आप जो उचित समझे भला समझे वो करिए। लीजिए देखिए। हाँ तो हो क्या गया? हो क्या गया? हो क्या गया? क्या क्या मतलब? होने को बाकी क्या रह गया भाई? मूर्ति पूजा, छुआछूत, जात पात सभी तो हो गया इस घर में। बस अब बाकी यही रह गया है कि आप अपनी लड़की की शादी किसी हिंदू घर में करा दीजिए और प्रायश्चित करके हिंदू समाज में जाके बैठ जाइए। लेकिन मैं कह देती हूँ कि तुमको कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो वो वक्त नहीं आया। और एक बात बताइए, आप लोगों को ये चिट्ठी पढ़ के ये कैसे लगा कि ललिता का विवाह हिंदू परिवार में होने वाला है? इसमें तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता। क्या होने से आपको दिखता है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अगर समय रहते आपको दिख जाता ना तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। अरे इससे खुलासा कोई चिट्ठी में क्या लिख सकता है भला? मैं समझता हूँ कि ललिता को ही बुलाकर पूछ लेते हैं कि उसकी मंशा क्या है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं पूछ सकता हूँ। पापा, पापा ये देखिए, आजकल ब्राह्मो समाज से ऐसी गुमनाम चिट्ठियां आती हैं। ललिता ये चिट्ठी पढ़ के तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचती कि ये चिट्ठी पाने के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो? तुम वैसी चिट्ठी अपने हाथ से लिख कैसे सकी? अच्छा तो शैला बाला के साथ आप ही की चिट्ठी पत्री हो रही है? ब्रह्मो समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझकर और लाचार होकर शैला बाला ने तुम्हारी चिट्ठी मुझे सौंपी थी।
और इस पर ब्राह्मो समाज का क्या कहना है? तुम्हारे और बिनय बाबू के बारे में जो अफवाह समाज में फैल रही है, मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से उसका स्पष्ट प्रतिवाद सुनना चाहता हूँ। क्यों बिल्कुल विश्वास नहीं है? ललिता, अभी तुम्हारा मन अशांत है, इस विषय पर मेरे साथ बाद में बात होगी, अभी रहने दो। परेश बाबू, आप बात को दबाने का प्रयास न करें। बाबा बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? बाबा आप लोगों की तरह मुखौटा ओढ़े हुए नहीं है, वो सच्चाई से नहीं डरते, सत्य को ब्राह्मो समाज से कहीं ऊपर समझते हैं। और रही बात बिनॉय बाबू से मेरे विवाह की, तो मुझे यह असंभव नहीं लगता और ना ही अनुचित लगता है। तो क्या यह तय हो गया है कि वो ब्राह्मो समाज में दीक्षा लेंगे? ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ है, और उनको दीक्षा लेनी ही होगी, ऐसी भी क्या बात है? ललिता तो पागल हो गई है क्या? क्या बक रही है? माँ ये पागलपन नहीं है, जो भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। आप लोग अगर मुझे हर तरफ से बांधना चाहोगे तो मैं नहीं सह सकूंगी, पानू बाबू के समाज से मुक्ति पालूंगी। बेहयाई को तुम मुक्ति कहती हो? नीचता के आक्रमण से, झूठ के गुलामी से मुक्ति को ही मैं मुक्ति समझती हूँ। जहाँ मुझे कोई अन्याय अधर्म नजर नहीं आता, वहां ब्राह्मो समाज मुझे क्यों छेड़े, क्यों रोके? देख लिया परेश बाबू, मैं जानता था ऐसा ही कुछ कांड होगा, जहां तक कर सका मैं आपको सावधान किया, नतीजा कुछ नहीं निकला। देखिए एक जगह आपको भी सावधान करने की जरूरत है, जो हर बात में आपसे बड़े हैं उनको सावधान करने का अहंकार आप ना करें। और रही बात बिनॉय बाबू से मेरे विवाह की, सो वो मैं तय करूंगी, ब्राह्मो समाज नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है ललिता। किसका डर? पूरे ब्राह्मो समाज में हंगामा मच गया है, अब अगर बिनॉय बाबू राजी नहीं हुए तो? वो राजी होंगे। तुझे पता है ना पानू बाबू माँ को क्या भरोसा दे रहे? वो कह रहे हैं कि बिनॉय बाबू अपना समाज छोड़कर कभी तुझसे शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तू भी ना ललिता, तुझे क्या जरूरत थी बिना कुछ सोचे समझे पानू बाबू के सामने सब कुछ कह डालने की? दीदी मैंने जो भी कहा है मुझे उसका पछतावा नहीं है। पानू बाबू समझते हैं कि वो और उनका समाज मुझे शिकार के जानवर की तरह घेरे डालकर अटल समुद्र के किनारे ले आए हैं, जहां मुझे पकड़े जाना ही होगा। वो ये नहीं जानते कि मैं उसी समुद्र में कूदने से नहीं डरती, पर उनके शिकारी कुत्तों के घेरे में आकर उनके पिंजरे में घुसने से डरती हूँ। देख मुझे लगता है कि हमें बाबा से एक बार सलाह तो लेनी ही चाहिए। बाबा शिकारियों का साथ कभी नहीं देंगे, उन्होंने कभी हमें बांधना नहीं चाहा है। जब भी हमारी राय उनकी राय से अलग हुई है, क्या वो कभी नाराज हुए? क्या कभी उन्होंने ब्राह्मो समाज की दुहाई देकर हमारा मुंह बंद करने की कोशिश की है? इस बात पर माँ भी बिगड़ी है, लेकिन उन्हें हमेशा इसी बात का डर लगा रहा कि कहीं हम खुद सोचने का साहस ना खो बैठे। जब उन्होंने इस तरह सीख देकर हमें बड़ा किया है, तो क्या अंत में पानू बाबू जैसे ब्राह्मो समाज के ठेकेदार के हाथों सौंप देंगे हमें? अच्छा चल मान लेते हैं कि बाबा कोई बाधा नहीं देंगे, तो क्या करेगी? अगर तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो फिर मैं। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सोचती हूँ कुछ। राधा, आइए बाबू आइए। राधा,
अरे बाबा आप आइए। खुश रहो। आप टहलने नहीं गए बाबा? बेटा तुमने तो सब सुन लिया है ना? जी आप बैठिए बाबा, आइए। बाबा आप इतने चिंतित क्यों हैं? राधा मुझे एक ही बात की चिंता है कि ललिता ने ये जो संकट खड़ा कर रखा है क्या इसकी चोट वो सह पाएगी? कई बार उत्तेजनावश हम एक अंधी स्पर्धा में दौड़ पड़ते हैं लेकिन जब उसके परिणाम आते हैं ना बेटा तो उसको सहने की क्षमता हमें नहीं होती।